टाइगर के बाद बब्बर शेर बनेंगे सलमान खान, बॉलीवुड के इस धांसू निर्देशक ने खेला दाव। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी हालिया रिलीज ब्लॉकबस्टर मूवी टाइगर 3 की सफलता के बाद अगली फिल्मों में बिजी हो चुके हैं। सुपरस्टार जल्द ही निर्माता निर्देशक करण जौहर के बैनर तले बनने वाली मूवी द बुल में नजर आएंगे। बता दें कि इस बीच खबर है कि सुपरस्टार सलमान खान के हाथ एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म लग गई है, जिसका टाइटल बब्बर शेर बताया गया है। इतना ही नहीं, दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को सुपरस्टार सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्मों एकता टाइगर और बजरंगी भाईजान के निर्देशक कबीर खान बनाने वाले हैं। जी हाँ, एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में चल रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म मेकर कबीर खान ने सुपरस्टार सलमान को अपनी अगली फिल्म के लिए अप्रोच किया है। ये निर्देशक कबीर का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। सुनने में आया है कि कबीर इस फिल्म के लिए मेकर्स इंडस्ट्री के लिए कई और सितारे के साथ भी संपर्क में है, मगर कबीर खान इस मूवी में सिर्फ सलमान खान को ही कास्ट करना चाहती है, जिसकी वजह से उन्होंने भाईजान को अप्रोच कर लिया है। सलमान और कबीर की पुरानी दोस्ती का गहरा रिश्ता रहा है। दोनों ने एक साथ 3 फिल्में दर्शकों को दी, जिसमें से 2 ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जबकि तीसरी मूवी ट्यूबलाइट को दर्शकों से वो प्यार नहीं मिला। ये मूवी सिनेमाघरों में खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि फिल्म को बाद में क्रिटिक्स और दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले थे। बता दें कि अब एक बार फिर कबीर सुपरस्टार सलमान के साथ अपने दिल के करीब इस फिल्म बब्बर शेर में काम करना चाहते हैं। उनके मुताबिक इस किरदार के साथ सिर्फ सलमान ही न्याय कर पाएंगे। ऐसे में उन्होंने सलमान से बात की है। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं है कि सुपरस्टार ने इस मूवी को ग्रीन सिग्नल दिया है कि नहीं। ऐसे में इस मूवी को लेकर हमें मेकर्स की ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। ऐसी मूवी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को भी सब्सक्राइब करें।